एक बार फिर से द कश्मीर फाइल्स को लेकर फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ चुकी है, जहां पर राजनेता अभिनेता हर कोई यहां पर टिप्पणी देने से पीछे नहीं हट रहा। ऐसे में अब उमर अब्दुल्ला सामने आए, जिन्होंने यहां पर द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि भाई फिल्म में जो दिखाया गया वो सरासर झूठ था। अब सवाल ये है कि झूठ क्यों था? क्या उन्होंने वाकई फिल्म देखी थी, या फिर अपनी भाषा को पूरा करने के लिए, अपने भाषण को पूरा करने के लिए और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ भी बोल दिया? क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फिल्म को लेकर कहा कि इस फिल्म में झूठ दिखाया गया है। फारूक अब्दुल्ला साहब उस वक्त सीएम नहीं थे। फिल्म में असत्य दिखाना अच्छी बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला के इस बयान में अब फिल्म मेकर अशोक पंडित ने जवाब दिया है। अशोक पंडित ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि हमारे कश्मीरी पंडित नरसंहार की योजना एक सप्ताह या महीनों के समय में नहीं बनाई गई थी। पूरी योजना आपके पिता के मार्गदर्शन में वर्षों से रची गई थी। फिर वह आतंकवादी के हाथों में राज्य छोड़कर लंदन भाग गए और हमारे नरसंहार का इंतजार करते रहे। मुझे यकीन है कि आपने फिल्म नहीं देखी हो। अशोक पंडित ने उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म में कई सारे चीजें झूठ दिखाई गई है। उस दौरान फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम नहीं थे, लेकिन वहां राज्यपाल शासन था। देश में वीपी सिंह की सरकार थी जिसे भाजपा का समर्थन था। अब इस पर लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुधाकर चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, चलिए मान लिया तो भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी, लेकिन नरसंहार करने वाले किसके समर्थन में नरसंहार कर रहे थे, ये भी बता देना चाहिए उमर अब्दुल्ला को, बाकी इन्हें देश अच्छे से जानता है। गोपालपुरी नाम के यूजर ने लिखा, कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से पलायन के इतिहास में इस महान त्रासदी के लिए फारूक अब्दुल्ला और उनके जैसे व्यक्तित्व रूप से जिम्मेदार है। सुनील राय नाम के यूजर ने लिखा, जम्मू और कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने बयान दिया कि पाक ट्रेनिंग ले चुके गिरफ्तार हुए आतंकवादियों को फारूक अब्दुल्ला ने रिहा किया था। राजीव गांधी के पास इसकी जानकारी थी, क्या योजना थी। उमेश नाम के यूजर ने लिखा, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार आतंकवादी हमदर्द है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हर्षा नाम के यूजर ने लिखा, अब्दुल्ला को सीएम के रूप में नहीं दिखाया गया है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उस समय जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी। फिल्म को ध्यान से देखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके संवाद फिर से सुने। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट उमर अब्दुल्ला को लेकर, किस तरीके से उन्होंने बिना फिल्म देखे ही अपनी टिप्पणी दे दी द कश्मीर फाइल्स की फिल्म पर। सवाल अब ये उठ रहा है उन पर कि क्या उन्होंने फिल्म देखी थी या फिर बिना फिल्म देखे ही उन्होंने ये टिप्पणी कर दी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक लिए बाय।